मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली ये औरत है, ये। अब्बा जी, दादाबू, अब्बा जी, दादाबू, अब्बा जी, दादाबू, अब्बा जी। कहाँ हो दानियाल? मैं हॉस्पिटल में हूँ दादाबू के पास। तो अब तक वहाँ क्यों टिके हो? देखो, तुम रात भर से जाग जाकर थक गए होगे, अब घर आ जाओ। दादाबू को अकेले छोड़ दूँ? चलो नाजिया, जल्दी चलें। हमारे अब्बू शहीर को इतनी देर नहीं संभाल सकेंगे। जी अम्मी, चलें। आपने अब्बू से फ्रूट मंगवा लिए थे ना? फ्रूट क्यों? कमाल है, अब दादा अब्बू की इयादत के लिए जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। अरे तुम्हारे दादा अब्बू अभी बीमार हैं, फ्रूट खा नहीं सकते। अभी तो वो हॉस्पिटल में है ना, चलो। अच्छा नहीं लगता अम्मी, चलें रास्ते से जूस ले लेंगे। चलो ठीक है। जाहिद, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, अब्बा जी को देखने। भाई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जब अब्बा जी खालिद भाई के यहाँ आ जाएंगे तो वहां जाकर उन्हें देख लेना। लो, ये क्या बात की तुमने? सभी लोग तो जा रहे हैं, और अगर मैं ना गई ना उनकी आदत को, तो सबसे ज्यादा बातें मुझे को सुनने को मिलेंगी। आपकी अम्मी कहेंगी कि तहसीन को तमीज नहीं है, सुसर बीमार है और उनकी तबीयत भी पूछने नहीं आई। ओहो, अच्छा ठीक है भाई, तुम ऐसा करना फिर आमिर के साथ चले जाना। आमिर बिजनेस के सिलसिले में फैसलाबाद गया है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है, कल दफ्तर से वापसी में तुम तैयार रहना, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। ओके चले, मैं निकलता हूं। बुड्ढा आबे हयात पीकर आए हैं, फारिग हो जाता तो हम सबकी जिंदगी आसान हो जाती, मगर तौबा है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है ये। जाहिद, एक तुम ही ज्यादा सगे हो ना अपने दादा के, दूसरा पोता आमिर भी तो है जो दादा को देखने हॉस्पिटल तक नहीं आया, और एक तुम हो सब कुछ भुलाकर अपनी दुनिया छोड़कर दादा के बेड से अटैच हो गए हो। हमने दुबई जाना था मगर तुम। सुमी, दुबई जाना इतना जरूरी नहीं है यार, हम एक दो हफ्ते बाद भी जा सकते हैं जब दादा अब्बू ठीक हो। दादा दादा दादा, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे दादा नामे से। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है दानियाल। सुमी, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं अपनी जिंदगी से अपने करीबी रिश्तेदारों को महज तुम्हारी वजह से छोड़ दूंगा। मेरे वालदैन, मेरे भाई, मेरे दादा, चचा, ताया, सब मेरे सगे जो मुझसे बहुत करीब, और तुम्हें उनकी परवाह करनी होगी। माय फुट परवाह, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे खानदान से। तंग? मेरे खानदान के किस बंदे के लिए तुम रोटियां बना रही हो? कौन सा सुबह दोपहर शाम उनकी खिदमत में लगी है जो तुम तंग आ गई? मुलाजिम नहीं हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदारों की, तंग आ चुकी हूँ मैं उन सब से। वो सब मेरे हक पर डाका डाल रहे हैं, तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, और आजकल तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। ओह गॉड, सोमी, सोमी तुम्हारे हक पे कोई डाका नहीं डाल रहा, मैं तुम्हारा हूँ और मेरा टाइम भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये बस कुछ दिनों की बात है, जब दादा अब्बू ठीक होके घर आ जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारियां भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मैं बाबा को रात रात भर हॉस्पिटल में जागने के लिए छोड़ दूं क्या? वो इस उम्र में दादा अब्बू की केयर नहीं कर सकेंगे, तो उनका बेटे होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने दादा अब्बू की केयर करूं। और वैसे भी सोमी, यहां पाकिस्तान में बुजुर्गों की केयर की जाती है, उन्हें ओल्ड हाउसेस में नहीं फेंक दिया जाता। आई नो, तुम लोगों को यहाँ पर बूढ़ों को सर पर सवार करके टेंशन में रहने की आदत, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस चीज की आदि नहीं हूँ। सुमी, सुमी मेरी बात सुनो। तो ये है तुम्हारी जिंदगी, इस गांव के सबसे अमीर आदमी की दूसरी बीवी, मलका बेगम के नाम, तमाम उम्र इस जिंदान में रहना, और यहां क्या करूं मैं?
लोग मेरे खुशनसीबी पर रश्क करते और मैं अपनी बदनसीबी पर रो भी नहीं सकती। वो ख्वाब जो मेरी माँ ने देखा था, नाना अबू और नानी अम्मा की नजरों में उतर कर रोशना भर देता था, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब बन गया है। मुझे इस घर में किताब का नाम लेने की इजाजत तक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात। यार एमएनए बनना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, जब जी चाहेगा चुटकी बजाते बन जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। साहबानी का बंदोबस्त जाओ जी। यार कमाल, तू बीवियों के मामले में बड़ा खुशनसीब है। बहू रानी, आप बैठक की तरफ क्यों गई थी? चौधरी साहब ने आपको मर्दाने में जाने से मना किया था ना? मुझे पता ही नहीं चला मासी, मैं तो बेदहानी में ठहलते ठहलते पता नहीं कैसे चली गई थी। अल्लाह से खैर की दुआ करें, चौधरी साहब बहुत गुस्से में थे, आपको ने तो उनका गुस्सा देखा ही नहीं है। अगर कोई भी उनके हुक्म की काट करता है ना, वो उसे सख्त सजा देते हैं। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था। होश क्यों नहीं था तुझे? जिस कुत्ते कमीनी के सामने तू बल सवर के खड़ी थी, उसकी नजरों में तेरे लिए जो कुछ था सब दिख रहा था मुझे। मना किया था तुझे मर्दाने में आने के लिए। थप्पड़ मारा? नहीं दादी, मैंने इसको जानबूझ के नहीं मारा, हम लोग तो खेल रहे थे और मेरा गलती से हाथ इसके मुंह पे लग गया और इसने आपसे शिकायत कर दी। नहीं, बहुत जोर से मारा था। भाई भाई फौजिया, तुम्हें नहीं पता मेरी ये उरुबा कितनी नाजुक गुड़िया, इसको हाथ नहीं लगाया करो, ठीक है? जोर से नहीं मारा करो। अरुबा अरुबा, सॉरी। बहू रानी, अभी तक रो रही हैं आप? उठ जाइए, खुदा के लिए रोना धोना छोड़ दे, चौधरी कमाल आते ही होंगे, उन्हें रोने धोने वाली औरतों से बड़ी ही चिढ़ है, रोते को और रुलाते हैं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं कराएगा, कोई खामोश नहीं कराने वाला, अपने आप को ना खुद ही संभालना होगा। उठे। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं मारा, बहुत दुख हो रहा है। आप चौधरी कमाल को नहीं जानती, बहुत ही जालिम है, सुलेखा बीबी को भी ऐसे ही मारते थे, तभी तो। खैर छोड़े, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, आपको समझाती रहूंगी। उठे, उठकर मुंह हाथ धो ले, चौधरी कमाल आते ही होंगे, उनके सामने ना खुश रहा करें। बनी समरी, वो तो ऐसे हाकिम है जो रियाया पर जुल्म करते हैं और चाहते हैं कि
उनकी रियाया उनके सामने हाथ बांधकर उनकी शान में कसीदे पढ़ती रहे, कुछ ना बोले। जुलेखा का तो बड़ा तगड़ा मैका था, आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। क्यों रोती हैं, क्यों मार खाती हैं? जैसा वो कहते हैं करती जाए। शाबाश, उठे, हाथ मुंह धो ले, उठ जाए। उठे, मुंह हाथ धो के थोड़ा मेकअप शेकअप कर ले। नानी अम्मा, नानी अम्मा, रूबा, 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 क्या हुआ कुलसुम? रूबा परेशान है, वो मुझे पुकार रही, मैंने खुद सुना है, वो रो रो के मुझे आवाजें दे रही है। ये वहम है आपका, आप लोग के ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं, वो बहुत परेशान है, वो रो रही थी, आप मुझे बताते क्यों नहीं है, वो कहाँ है, कैसी है, खुश तो है ना? नहीं, वो खुश नहीं होगी, और ना आप उसे जरूर यहाँ लेकर आते। कैसे ले आता, वो खुद नहीं आई। अपने घर में वो बहुत खुश है, आप फिक्र मत करें, लेट जाएं, आराम करें। ये आपने तकल्लुफ क्यों किया? तकल्लुफ? मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो हमारी रिवायत में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपना मेहमान समझा आपने। प्लीज, आप इनके दोस्त हैं और ये हमारे दोस्त हैं और हम
दोस्तों के दोस्त हैं जनाब। हमें अपने दोस्तों की सफ में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इतना बड़ा दावा, सोच लीजिए हुजूर। जनाब हम कुछ भी सोचे समझे बगैर नहीं करते। वाह वाह, आपकी जवाबदारी ने तो हमें खुश कर दिया। चलिए हुजूर, आजमाएंगे कभी आपको। हाजिर हैं जनाब। मेहनाज बेगम, ये मेरा बहुत ही करीबी और प्यारा दोस्त, दिल का बादशाह और हुस्न का देवता है। मुकाबले की टक्कर है, हम किसी से कम नहीं। सही नसीब, सही नसीब। इस हुस्न के देवता के आगे तो ये दासी अपना दिल हार बैठी जनाब। हम आपकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत के कदरदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीस हजार क्यों कम है इन पैसों में? मैंने तो 10,000 निकाले थे। आमिर ने जो 10,000 दिए वो मैंने दोबारा रख दिए थे, तो फिर 20,000 कहां गए? जाहिद, जाहिद, वो अलमारी से पैसे आपने लिए? पैसे? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही जो आपने मुझे रखने के लिए दिए थे, उनमें से 20,000 कम है। क्या तुमने इतनी जल्दी 20,000 रुपए खर्च कर दिए? होश करो तहसीन बेगम। ओहो भाई, अगर मैंने खर्च किए होते तो मुझे दुख थोड़ी होता, मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा एक बात सुनो, ये पैसे तुमने आमिर के सामने रखे थे क्या? नहीं, उसे तो पता भी नहीं है, मैंने तो उन पैसों को संभाल के ताले में रख दिया था। तुम्हारे बेटे के सामने पेटी, ताले, चाबी क्या हैसियत रखते हैं? मुझे तो डर है ये पैसे उसी ने निकाले, सोच लो। तौबा है जाहिद, बाल की खाल निकालने की आदत है तुम्हारी, उससे क्या जरूरत है इन पैसों की? वो तो अपना लाखों का कारोबार कर रहा है, 10,000 रुपए का मुनाफा भी ला कर दिया, वो क्यों चोरी करेगा ये पैसे? तहसीन बेगम, या तो आप बहुत मासूम है या बन रही है। आपको जो आपके बेटे ने 10,000 रुपए लाके दिए थे ना मुनाफे के, वो उसी अलमारी में से निकाल के दिए होंगे। हमेशा ही उसके बारे में बुरी बात करते हो, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। अच्छी बात? और तुम्हारा बेटा, मुझे तो डर है जो लाखों रुपए तुमने उसको कारोबार के लिए दिए थे ना, वो भी उसने कहीं उड़ा ना दिए हो, और हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी वो भी उड़ा दी होगी, और हम भी सारी उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद करके खंगाल हो जाएंगे। हाय हाय, तौबा है जाहिद, बड़ी बुरी खानदानी आदत है, बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो। मैं तो तुमसे पूछ के ही पछता गई। रहने दो भाई, मैं खुद ही सोच लेती हूँ मैंने कहीं खर्च कर दिए होंगे। तुम ही सोचो और तुम ही देखो। और हाँ एक बात याद रखना तहसीन बेगम, अब मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। आजकल वैसे ही दफ्तर में बहुत सख्ती भी चल रही है और पकड़ धकड़ भी हो रही है। सख्ती, पकड़ धक्कड़, बरसों से सुन रही हूँ ये धमकी, अब तक तो हुई नहीं है कोई पकड़ धक्कड़। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कैसे? धड़कने जिनसे दरिया मुहब्बत बहता